इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स। स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। रेलवे द्वारा लगातार ब्लॉक के कारण से कई ट्रेनों को निरस्त किया जा रहा है। वहीं नवंबर और दिसंबर महीने में सबसे ज्यादा यात्री यात्रा करते हैं, और ऐसे में जब ब्लॉक के कारण ट्रेनें निरस्त हो रही हैं, तो यात्रियों को काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए ब्लॉक का कार्य किया जाता है, जिससे कि मेंटेनेंस बना रहे। उसी के चलते दक्षिण पश्चिम रेलवे में ब्लॉक के कारण 2 ट्रेनें निरस्त हुई है। दरअसल दक्षिण पश्चिम रेलवे बेंगलुरु मंडल के श्री सत्यसाई प्रशांति निलयम एवं बसमपल्ली स्टेशन के मध्य टनल ब्रिज संख्या 65A के मरम्मत कार्य हेतु प्रस्तावित ब्लॉक के कारण रतलाम मंडल की 2 ट्रेनें निरस्त रहेंगी, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर नगर यशवंतपुर एक्सप्रेस 10 दिसंबर से 4 फरवरी तक निरस्त की गई है। लगभग 2 महीने के लिए यह ट्रेन निरस्त की गई है। वहीं वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे में जबलपुर मंडल में इंदौर बिलासपुर ट्रेन, जिसे 6 तारीख से 12 दिसंबर तक कैंसिल किया गया है। वहीं जिन यात्रियों ने पहले से बुकिंग की है, उन्हें रेलवे द्वारा पूरा रिफंड कर दिया जाएगा। देखिए, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे में जबलपुर मंडल में जो इंदौर विलासपुर ट्रेन है, उसको 6 मतलब आज से और 12 दिसंबर के बीच कैंसिल रहेगी। दूसरी तरफ जो बेंगलोर डिवीजन में एक ब्रिज के मरम्मत के चलते जो ट्रेन है, वो 10 दिसंबर से और 4 फरवरी तक कैंसिल रहेगी। तो इस तरह से क्या है कि सेफ्टी पर्पज़ से ये दोनों जगह पे ये दोनों पेयर ट्रेनें कैंसिल की गई है। और तो बीच बीच में क्या है कि ब्लॉक और सेफ्टी मेजर से इस तरह के ब्लॉक लिए जाते हैं, तो इसकी वजह से ये 2 ट्रेन कैंसिल रही है। देखिए, मेजर जो है ये तो एक हफ्ते के लिए की गई है, जो 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 ट्रेन बिलासपुर जाएगी नर्मदा एक्सप्रेस, और दूसरी जो यशवंतपुर ट्रेन है, वो काफ़ी लंबे तकरीबन 2-2.5 महीने के अंतराल में कैंसिल की गई है। तो इस तरह से इसका क्या है कि पहले ही अनाउंस कर दिया गया है, ताकि वो वैकल्पिक मार्ग भी यात्री ढूंढ सके, और अगर किसी ने इसका यात्रा का टिकट कराया है तो उसको फुल रिफंड भी मिलेगा।